फ्रेंड्स, कुछ पौधे हम नर्सरी से जब लेकर के आते हैं तो उनके बारे में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है कि किस तरह से उसका रख रखाव करें। जब वो हमारे पास काफ़ी दिनों तक रह जाता है तो उसके बारे में काफ़ी नॉलेज बढ़ जाती है कि उसकी देखभाल किस तरह से करें। फ्रेंड्स, ये सिंगोनियम है जो कि मैंने इसको शेडी एरिया में कुछ रखा था, थोड़ी देर की धूप आती है, और ये दूसरा वाला काफ़ी तेज़ धूप में रखा रहता है जहाँ पर सारा दिन की धूप पड़ती है। तो इस तरह से इसकी लीफ बर्न हो चुकी हैं। सिंगोनियम बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट होता है, जिस तरह से आप पोथोस लगाते हैं, पानी में रखें या फिर मिट्टी में, आसानी से लगे रह जाते हैं, कटिंग से लग जाते हैं, इसी तरह से ये सिंगोनियम है। सिंगोनियम भी बिल्कुल पोथोस की तरह ही आसानी से तैयार होने वाला पौधा है और बेलनुमा इसका पौधा जाता है। अगर आप ऊपर से कटिंग करते रहते हैं तो ये बुशी और अच्छी पत्तियोंदार बन जाता है और ऊपर को नहीं फैलता, नीचे ही नीचे बढ़ता है। जैसे इसको मैंने कर रखा है, काफ़ी अच्छा घना हुआ है और इसी से ही मैंने कटिंग कर करके हर जगह पे लगाया हुआ है। ये तीनों पौधे मेरे कटिंग से ही तैयार किए हैं मैंने। बस रख रखाव इसका वैसे जगह पे करें जहाँ पे आप इसको कुछ देर की धूप लगने दें, और सारा दिन की धूप, मई की बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप होती है तो पौधे जलना शुरू हो जाते हैं। और इसमें पानी पौधों के पत्तियों के ऊपर से डालना चाहिए ताकि पत्तियाँ अच्छे से ठंडी होकर के धुलाई हो जाए, और पानी भी खूब सारा इस पौधे को चाहिए तो आसानी से तैयार हो जाता है। इसकी कई सारी वैरायटी आती हैं सिंगोनियम की, मेरे पास इस जगह पे एक ही वैरायटी मैंने रखी है। वैसे मेरे पास पिंक सिंगोनियम, एरोहेड सिंगोनियम और हल्की ग्रीन वाली सिंगोनियम भी है। तो इस तरह से मेरे पास चार तरह के सिंगोनियम हैं। और फ्रेंड्स, इसके जो पत्तियाँ ख़राब हो जाती हैं उन्हें निकाल करके अलग कर देना चाहिए पौधे, ताकि हमारे पौधे अच्छे से तैयार होते रहें।